बदायूं से शाहजहांपुर जाने वाले मेन रास्ते पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। रास्ते पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद की दीवारों को प्रशासन ने हटाया है। वहीं मंदिर की दीवारों का कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब मस्जिद की दीवार पर बुलडोजर चला तो बुलडोजर पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं पत्थरबाजी को पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से खदेड़ दिया। दातागंज के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश तकसेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, ये कौन सा अभियान चल रहा है और क्या ये अभियान पूरा हो चुका है, काम कितना आगे पहुंचा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टेट हाईवे इधर से निकल रहा था, 20 मार्च से जो कस्बा है उसके मुख्य मार्ग से निकलकर गुजर रहा था, जिसमें मंदिर और मस्जिद और लगभग में 120 दुकानें बीच में आ रही थी। उन दुकानों को प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था। तभी अभी ये तीसरा दिन है आज ध्वस्तीकरण का। भाई, किसी अराजकता फैलाने के चक्कर से किसी ने कल पत्थर फेंक दिए थे प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन ने हरकत में आकर उन लोगों को खदेड़ लिया था और जो दीवारें थी उनको हटाने का कार्य दोबारा शुरू कर दिए। क्या इनको नोटिस भेजा गया था पहले? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों को काफी समय से नोटिस की कार्रवाई की गई थी और उन्हें लगातार समझाया बताया जा रहा था कि आपकी जो दुकानें हैं वो रोड पे हैं, इनके लिए खाली किया जाए जल्द से जल्द, लेकिन वो लोग कोई भी सुनने को तैयार नहीं थे। कितने संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे पत्थरबाजी करने के लिए? लगभग 2 दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की हुई थी और बाकी लोग जो पब्लिक थी वो पब्लिक को फिर पुलिस ने दूर तक भगा दिया। 2 दर्जन लोग लगभग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी। कितनी देर में पूरा मामला शांत हो गया सतीश? ये जैसे ही मामला को उग्र होता देख पुलिस ने तुरंत ही मौके पर ही उसको खदेड़ने का कार्य शुरू किया, जिससे कि कोई समय नहीं लगा और जो पब्लिक थी उसको दूर भगाने का कार्य प्रशासन ने। अभी क्या स्थिति है, मस्जिद भी गिरा दी गई है क्या? मस्जिद को नहीं कहा जा सकता, मस्जिद पूरी नहीं गिराई गई। जो मस्जिद की कुछ दीवार जो आ रही थी रोड पे उसके लिए हटाने का कार्य प्रशासन ने किया था, जिसको लेकर उन लोगों को लगा कि ये पूरी मस्जिद को ढाया जा रहा है, इसलिए वो लोग आक्रोशित हो गए थे। तो अभी भी ये अभियान जारी है? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है, आज भी अभियान जारी है और लगातार प्रशासन का कहना है कि जब तक रोड ठीक नहीं क्लियर हो जाता है तब तक ये लगातार जारी रहेगा। ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। बता दें कि जैसे ही दीवार गिराने जा रहे थे मस्जिद की, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामले को शांत कराया।